अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। और ये स्टार्टिंग में जी आज बच्चों के बाबा आए हुए हैं और फूड 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 फास्ट फूड तो बस। और ये बच्चे अपने अपने आइसक्रीम खा रहे थे और हर बच्चा अपनी अपना फ्लेवर दिखा रहा था। इसका चेरी का था, मेरा हादिया का पता नहीं क्या कहते हैं, सबके सबसे गंदा फ्लेवर जो था इब्राहिम ने लिया था, उसने मिंट वाला लिया था, इतना गंदा फ्लेवर था उसका। और हम लोग इधर गाड़ी में बैठ के आइसक्रीम ला के गाड़ी में बैठ के हम लोग इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को। और ये सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शफीक वाले हैं, मतलब ये कैंट जो लोग सियालकोट में रहते हैं, ये भी हमारा कैंट का ही एरिया है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे शॉपिंग करने। क्रॉस स्ट्रीट से मैंने एक ड्रेस लिया था, तो उसके बाद मुझे याद आया यार मैं थोड़ा सी वीडियो बना लूँ। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, तो इनकी नई कलेक्शन आई हुई है कैंब्रिक कैम्ब्रिक में, खद्दर में, लीलन में। लीलन लीलन का स्टफ़ कम है, खद्दर कैम्ब्रिक ज़्यादा है, और सारा स्टफ़ बहुत अच्छा है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे सूप पीने, हम लोग फिर अल्लाह मालक चले गए। वहाँ से फिर हम लोगों ने सूप पिया और मौसम बड़ा मज़े का था, तो मैं कह चले जी हम लोग सूप एंजॉय कर लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग फिर सूप पीने चले गए। सूप पीने के बाद न उससे न मतलब सूप अभी पी के फारग हुए, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरा दिल कर रहा है बारबेक्यू क्यों खाने का ना। फिर हम लोगों ने वहाँ से बारबेक्यू ऑर्डर कर लिया, एक प्लेटर चिकन का ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था। तो क्योंकि सूप पी के पहले बहला फुल था, तो हस्बैंड जी ने कहा था जी मैंने खाना है, तो हमने कहा ठीक है जी आप खाएं। तो वो तो खा रहे थे लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मेरे ये हस्बैंड मेरे मुझे सर्व कर रहे हैं, मुझे कैसे मैं कैसे मैं नहीं खाना, लेकिन मैं कहती तुम खाओ मेरे साथ ना, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तुम मेरे साथ खाओ। और फिर घर आके हम लोगों ने कुछ भी नहीं था खाया, सिर्फ मैंने चाय बनाई थी और ये चाय मैं बना रही हूँ। और मैं चाय से ही तरह बनाती हूँ, गड़का गड़का के, गड़का गड़का के। मुझे ऐसे नहीं, वो शॉप्स वाले बनाते हैं, उनके पास तो पवा होता है, पवा तो नहीं मैं यूज़ करती, मैं ऐसे इसको बॉयल आने देती हूँ, आने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय पी थी बस, उसके बाद कुछ नहीं था खाया। और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैंने अम्मी की तरफ से हम लोग लेके आए थे साग, उसको मैंने तड़का लगाया था, और साथ में मैंने बनाया था पराठा, और पराठे के साथ उसमें मक्खन डाल के, मेरे मुँह पानी आ रहा है दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट डे उसी दिन, जिस दिन मैं सुबह साग और पराठा खाया ना, उसी दिन हम लोग फिर दोबारा शॉपिंग पे गए। उधर से ये मैं आई थी बीच ट्री पे, बीच ट्री की कलेक्शन बहुत अच्छी है, सारी कलेक्शन अच्छी है, लेकिन इनका मसला ये है कि इनके ज़्यादा जो ना टू पीसेज हैं एम्ब्रॉयडर्ड में, टू पीस हैं, थ्री पीस होने चाहिए, शॉल्स के बगैर यार अच्छा नहीं लगता ना। कुछ है भी थे शॉल वाले, ये शॉल वाले हैं थ्री पीस एम्ब्रॉयडर, और कुछ वैसे हैं। अब तो इनसे मैंने देखे थे लेकिन मुझे ना कोई इतना ख़ास नहीं था, बस अच्छे थे, लेकिन मैंने सफ़ायर जाना था और उस दिन मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, बारिश हुई थी और मज़े का मौसम था। तो मैं बीस्ट्री से निकल के उसके बाद मैं सफ़ायर पे आई, मैं कह चले सफ़ायर से मैं कुछ ले लूँगी ना, अगर ना पसंद है तो मैं दोबारा बीच ट्रिप पे जाऊँगी। और ये सफ़ायर की कलेक्शन है इनकी, खद्दर, और मतलब समर्स में ये होता है पहले कैम्ब्रिक फिर लीलन फिर खद्दर, खद्दर और जो लीलन है वो इकट्ठी लॉन्च हो जाती है। इनकी एम्ब्रॉयडर कलेक्शन अच्छी है, और एम्ब्रॉयडर जो कलेक्शन सफ़ायर पे है वो 7,000 से स्टार्ट हो रही है, और इससे अबाव ही है, नीचे नहीं है, इससे ऊपर ही है 7,000 से। थ्री पीस इनके हैं खद्दर में लेकिन वो प्रिंटेड हैं, टू पीस भी हैं खद्दर में वो भी प्रिंटेड है। वो मैं वीडियो बना रही थी तो सामने से लेडीज़ गुजर रही, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को दिखाना, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, मतलब हर बंदे का यार अपना जहन होता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सफ़ाई से मैंने सिर्फ एक सूट लिया था अपनी मम्मी के लिए, वो अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं जीन पे चली गई, जीन वहाँ से लिया। उसके बाद फिर हम लोग अलफ़तेह गए, अलफ़तेह से थोड़ी सी शॉपिंग की, वो मैं वीडियो नहीं बना सकी, कैमरा मोबाइल मेरा बैग में था और मैं हड हराम बंदा, मैंने निकाला ही नहीं। और वापसी पे मैंने भी वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर ली। ये हमारा वी मॉल है, वी मॉल जी। और उसके बाद यहाँ से निकले, और निकलने के बाद पहले हम लोगों का प्रोग्राम था सूप पीने का, क्योंकि उस दिन बड़े ही मज़े का मौसम का मौसम आपको नज़र आ रहा है, क्लाउडी क्लाउडी, पहले बारिश हो चुकी थी और बाद में फिर क्लाउडी से क्लाउडी सा वेदर था। और बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मैं थे और मेरे सरताज थे, हम दोनों ही थे, बच्चे घर में थे, क्योंकि बच्चे बच्चों को आप ही नहीं पढ़ाना है, अंदर सपारे वाले आप ही ने, तो बच्चे फिर घर ही रहे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई अपने ब्लॉग के लिए और अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि हम लोग उधर शॉपिंग करने थे। और इस साथ ही वी मॉल से निकलते
निकल जैसे निकल गया उसके साथ ही सिंदबाद है, जो बच्चों की ऑल ऑल टाइम फेवरेट जगह है। तो ये जी सिंदबाद, बच्चों को बस ये दिखाना था मैंने, और साथ मैंने ब्लॉग के लिए भी वीडियो बनानी थी, साथ में कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ नहीं, मौसम बहुत दिन बदलेगा, तो इतने टाइम बाद मैं और मेरे हस्बैंड अकेले निकले थे, मुझे यकीन करें बहुत उस दिन हम लोगों ने एंजॉय किया। और उधर से फिर निकलने के बाद हम लोगों का पहले प्रोग्राम था डिनर करने का, फिर मैंने कहा नहीं आज मौसम जिस तरह का है ना, सिर्फ सूप ही पीते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकले कैंट से, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए सूप पीने का भी फाइनल हो गया, फिर हम लोग सूप पीने चले। और बस मियाँ साहब आए, मैं यकीन करें कोई टेंशन नहीं है, कोई काम की टेंशन नहीं है, बच्चों को छोड़ने की लाने की फीसें ये वो, मतलब यार इतना मैं मेंटली तौर पर रिलैक्स हूँ, इतनी रिलैक्स हूँ। और जो मेरी पिछली वीडियो मैंने की थी मेरे हस्बैंड क्या लेके आए, सब ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। और इधर हम लोग आ गए थे ग्रेट माच सूप पीने, हम लोग सूप का वेट कर रहे थे और रश ना होने के बराबर था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा सूप आ गया था, और ये लीजिए हमारा सूप भी आ गया है, और हॉट एंड सार सूप हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तो अब हम लोग पीने लगे हैं। आप लोग इंजॉय करें यम्मी सा सूप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबकी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। तो जी आज इतनी बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी सर्दी हो गई है, और मैं कह चले जी मौके का फ़ायदा उठाते हैं, मियाँ साहब भत्ते चढ़े हुए हैं तो चले इनके साथ चल के शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग जो मैंने की है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सफ़ायर से मैंने लिया है सूट, एक क्रॉस स्टिच से लिया है, और साथ में जीन से लिया है, और साथ में इनसे लिया है, इनसे मैंने बच्चों के कपड़े लिए हैं, इंजाइन आई डोंट नो उनका नाम क्या प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आ रहा। तो चलें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सफ़ायर से क्या लिया है। सफ़ायर से जो लिया है जी वो मैंने, हाँ जी सफ़ायर से लिया है ये वाला, ये जो जी मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था अपनी अम्मा जान के लिए, तो ये वाला है, ये खद्दर का है 3 पीस सूट, और ये इसकी प्राइस है, और बहुत अच्छा है, ये उन्हें अपनी अम्मी जी के लिए अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो वो एसटी डिज़ाइनिंग तो नहीं करवाएंगे अम्मी, लेकिन ये वो नहीं करवाएंगे, ये बॉर्डर वगैरह लगवाएंगे ये नहीं करवाएंगे, तो बहुत अच्छा है। मतलब सफ़ायर की कदर का तो पता ही है, बिल्कुल लाइट वेट से होती है और अच्छी होती है, ठीक है जी। ये है जी मेरी अम्मी का, सास का, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिया है ये, इनसे लिया है, इनसे इन भाई साहब वालों से लिया है ये वाला, ये इनकी नई कलेक्शन आई है अफशीन, तो ये वाला, और इसकी प्राइस है ये वाली, ठीक है जी। और ये मेरे मियाँ जी ने लेके दिया है, मियाँ साहब हत्थे चढ़े हुए हैं, मैं कह चलें, तो मैंने बोला बैठा सर्दी होगा मैंने कपड़े लेने का, तो हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैं कह नहीं मेरे पास अभी मुझे सारे नहीं चाहिए, मतलब कि वो तो मैं अब घर लगाऊंगी, अब नए सीज़न है, नए सीज़न के लिए नए कपड़े चाहिए। और ये वाला सूट है, ये मैं स्टिच करवाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, अच्छा है, अच्छा बना हुआ है, ये भी खद्दर में है, लाइट वेट खद्दर है इनकी, तो ये भी अब जब मैं स्टिच करवाऊँगी जो डिज़ाइनिंग करवा, ये भी जो डिज़ाइनिंग है भी अच्छी है, लेकिन मैं उससे अपनी डिज़ाइनिंग चेंज करवाऊँ। तो उसके बाद जी मैंने लिया है, इन भाई साहब से भी लिया है, इन भाई साहब से लिया है मैंने ये वाला, और ये भी बहुत ही अच्छा कलर है, ये भी मेरे मियाँ जी की पसंद का है, ग्रे ग्रे है ये ट्राउज़र है इसका, ग्रे ग्रे शेड में है ये शर्ट, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, ये सारा लिखा होगा ये, ठीक है जी। और इसकी प्राइस है ये, ठीक है जी, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत अच्छी है, मैं जब स्टिच करवाऊँगी अब देखती हूँ कि मैं मॉडल वाला करवाती हूँ या हुडी करवाती हूँ, जो मुझे समझ में आएगा, अभी कोई समझ नहीं आ रही, तो मैं देखूंगी कि ये भी डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन ये मुझे थोड़ा गले का डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ये नहीं करवाऊंगी, बाकी मेरा प्रोग्राम है सेम यही करवाने का, लेकिन मूड के हिसाब से देखते हैं कौन सा करवाती हूँ। अच्छा जी ये हो गया, और उसके बाद जी इन भाई साहब से भी हमने कपड़े लिए हैं, इन भाई साहब से भी, तो इनसे जो कपड़े लिए मैं आपको दिखाती हूँ। इनका ये चक्कर चल रहा है कि इनकी जो पिछली इनके जो कपड़े हैं उन्होंने उस पर ऑफ लगाया हुआ है, 30, 20, 40, 50, मतलब अप टू 50% ऑफ है इनका। तो ये मैंने लिया है अपने छोटे बेटे के लिए, दोनों भाइयों के सेम लिए हैं मैंने ना, तो ये है जी इसके स्वेट शर्ट्स हैं इनकी,
ये वाली अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई हैं। एक्चुअल प्राइस ये है, ये 30% ऑफ पे मिली है, और 30 आप खुद ही हिसाब लगा लें, मुझे अब याद नहीं है। और उसके बाद ये बड़े बेटे की है, उसकी दो मतलब दोनों भाइयों की एक जैसे मैंने ली हैं, तो ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए ली हैं ये वाले, ठीक है जी। ये भी अच्छा बना हुआ, हाँ जी। क्या दिखा रहे हो आप? और ये कार्टून है, ये एक मेरा कार्टून है। कार्टून सीधे हो, कार्टून सीधे हो, कार्टून पीछे हो, कपड़े ना गंदे करना, पीछे हो ना, पीछे हो। अच्छा जी, ये हो गया इनका। ये मैंने ऑफ पे ली है, ये दो स्वेट शर्ट्स ऑफ पे ली हैं, हाँ जी। और उसके बाद मैंने लिया है ये मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लिए हैं, ये हैं जी पैंट्स। तो ये थोड़ा हेल्दी है, तो इसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, इसकी भी प्राइस आप देख लें। फोकस कर जो, ये है जिसकी प्राइस। और ये ज़रा इसको ना इसमें इजी रहता है, इसलिए फिर मैंने इसका ये वाला लिया, ठीक है। और इसके साथ ये वाली शर्ट भी चल जाएगी, ये वाली भी चल जाएगी शर्ट्स, और ये भी दोनों शर्ट्स चल जाएंगी एक पैंट के साथ ना। तो ये इसके लिए, ये इनके न्यू अराइवल्स में मैंने लिए हैं, ठीक है जी। और ये है इसकी प्राइस, ठीक है, ये वाला। तो ये थोड़े बड़ा साइज़ में लिया है, इसलिए बड़े साइज़ में लिया है कि मतलब आगे चल के हाई नेक्स वगैरह और बनैन जो हाई नेक तो स्वेटर वगैरह नीचे बनाती हूँ ना, तो उससे फिर ना वो शर्ट फिटिंग में आ जाएगी, अच्छी लगेगी। बाबा नहीं आए आके? और ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए लिया है, तो इसका भी साइज़ वो जो ने मतलब 5 to 6 साइज़ था ना, वो छोटा लग रहा था, हाँ जी वो छोटा लग रहा था। हादी आपको बुलाओ जाओ। तो वो छोटा लग रहा था मुझे, फिर मैंने ना 6 to 7 लिया, तो माशाल्लाह मेरे बेटे ने पहना है। बाजू थोड़े से बड़े हैं, मतलब कि इतने के बड़े हैं, तो इसको मैं सही फोल्ड किया तो माशाल्लाह सही हो गया। तो फिर मैंने ना ये मेरे बेटे किया, ये भी बड़ा अच्छा स्टाफ है, ये देखें वूल स्टाफ है पता नहीं। और ये भी बड़ी प्यारी बनी हुई है, ये भी न्यू अराइवल में है, और इसकी प्राइस ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी ये वाली, ये खाली जो स्वेट शर्ट है ये इतने की आई है। तो बाकी जो हैं बाकी ठीक हैं, प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो अब माशाल्लाह मेरे बच्चे पहनेंगे, जैसे जैसे पहनेंगे मैं तो पिक्चर्स लगाती जाऊँगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, तो इंस्टा का जो मेरा आईडी है मुकद्दस 647, तो मैं ना मेंशन कर दूँगी एंड पे ना, तो आप मुझे जाकर उधर भी फॉलो कर लें। मैं अपना पिक्चर वगैरह बच्चों की अपनी लगाती रहती हूँ, तो जो भी मेरी लाइफ में न्यू चल रहा था, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस का ये होता है इसको बनाना, फिर एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बस अब ये हंगामे बच गए हैं बच्चों वाली माओं के, ये हिसाब में बच्चे खुद सारे शुरू हो जाते हैं। तो बस मैं सामान समेटा समेटी कर लूँ, क्योंकि मैंने ये कपड़े देने हैं टेलर को स्टिचने के लिए। तो मैं कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि विंटर स्टार्टिंग पर हम लोगों ने क्या शॉपिंग किया। फ़िलहाल मैंने ये किया, अभी मैंने पैंट्स लेके आनी है बेटे की, मैंने पैंट्स लानी है बड़े बेटे की। तो वो उस टाइम पे वो मुझे उधर को पसंद नहीं आई, और फिर जो मैं होते हैं मतलब जल्दी में चला देते हैं, इसलिए बाकी अब जब मैं मतलब लेके आऊँगी नए जो कुछ लाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। चले सही है, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ये क्या है?